प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव के बीच सियासी माहौल में काफी हलचल मची हुई है। इस बीच आजमगढ़ चुनाव के चलते समाजवादी पार्टी को माफिया मुख्तार अंसारी की परिवार की याद आ रही है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार अंसारी पर यूपी सरकार की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र यादव ने अपील की है कि हमारे लोगों पर हो रहे हमलों का आजमगढ़ के लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि आजम साहब से लेकर मुख्तार अंसारी जी के परिवार तक जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम आजमगढ़ के लोगों को इस मौके पर करना है। आजमगढ़ में यादव के बाद दूसरी बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की है। ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का झुकाव मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ नजर आ रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कहा कि सपा को यहां हर बार हर धर्म के लोगों ने वोट दिया और इस बार भी देंगे। यहां कोई यम वाई फैक्टर नहीं है। धर्म की बात करने वाले तो बीजेपी के लोग हैं, वो फेल हो जाएंगे। गौरतलब है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले से सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी से दूरी बनाते आ रहे हैं। इसके बाद अचानक से यह दूरी खत्म होती दिख रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अंसारी परिवार को एंट्री दी गई और उनके भाई शिवगतुल्ला को सपा में जगह दी गई। अब आजमगढ़ चुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव अंसारी परिवार का बार बार जिक्र कर रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्माया हुआ है। आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के बीच मुकाबला है। वहीं दूसरी लोकसभा सीट रामपुर में समाजवादी पार्टी ने आसिम राजा को उतारा है, जबकि बीजेपी की तरफ से घनश्याम लोधी मैदान में हैं।